हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कैरेक्टर का लिप सिंक कैसे करें, वो भी एनिमेशन के दौरान। तो ओपन टून में आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे मैंने आपका टाइम बचाने के लिए कैरेक्टर का फेस पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, वो भी अलग अलग पार्ट मैंने दोस्तों अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करके रखा है, ये आप देख सकते हैं। और इन सब का मैंने टाइमलाइन को भी बढ़ा दिया है आपके टाइम बचाने के लिए। इतना तो आप जानते ही होंगे कि टाइमलाइन कैसे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैरेक्टर का लिप सिंक कैसे करते हैं, वो भी एनिमेशन के दौरान। तो यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। फिलहाल अभी कोई लिप सिंक नहीं लगा है। तो ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग नाम के, तो इन सारे बॉक्सेज में मैंने माउथ के अलग अलग सेट को ड्रॉ करके रखा है, यानी कि अलग अलग तरीके का माउथ जो है हमारे कैरेक्टर के लिए वो मैंने ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, ये वाला जो है मैंने गूगल से ये फ़ोटो डाउनलोड किया था दोस्तों। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। इसी से मैंने क्या किया कि इसमें से कुछ पार्ट्स, कुछ अलग अलग जो सारे माउथ सेट देख रहे हैं इनमें से मैंने कुछ को अलग अलग हर डब्बे पे ड्रॉ कर दिया। तो मैंने सारे को नहीं किया है, मुझे जिन जिन की ज़रूरत थी मैंने उन उनको ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं इसमें आपको सिर्फ लिप सिंक करना सिखाऊँगा कि कैसे कैरेक्टर का हमारा लिप सिंक होता है ओपन टून में। तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो मैं इसे अब हाइड कर देता हूं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं सारे पार्ट्स मैंने अलग अलग पे ड्रॉ करके रखे हैं। अब क्या करेंगे, तो इन सबको मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से पहले सेलेक्ट कर लिया और इन सबको अपनी जगह पे लगा देता हूं। तो इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे भी अपनी जगह पर लगा देता हूं मैं। इसलिए मैं इसे जगह पर लगा रहा हूं क्योंकि जब मैंने माउथ सेट ड्रॉ किया था तो वो आपने देखा ही दोस्तों फ़ोटो, तो फ़ोटो जैसे था मैंने उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब इन सबको अपनी जगह पे, जहां पे हमारे कैरेक्टर का माउथ है उस जगह पे ले जाना होगा। तो उन सारे पार्ट्स को मैं ले जा रहा हूं बारी बारी, वो भी सिलेक्शन टूल की मदद से। अब सारे पार्ट अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इस कैरेक्टर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से इन सबको उस साइज़ का बनाना है मुझे। तो मैं इसे छोटा करूँगा, थोड़ा रोटेट करूँगा और इसे अपनी जगह पर लगाऊँगा। तो ये इसको थोड़ा और रोटेट कर दूँ, हाँ ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो इन सबको मैं बारी बारी करूँगा। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, इसे छोटा कर दूँ, फिर इसे उठा करके अपनी जगह पे लगा दूँगा, थोड़ा रोटेट कर दूँगा क्योंकि हमारे कैरेक्टर का जो फेस है वो थोड़ा डाउन है, तो उसी हिसाब से उसके सारे माउथ सेट होने चाहिए। तो मैं बारी बारी सबको कर रहा हूँ। इसको भी मैं सेलेक्ट किया, इसे भी मैं थोड़ा छोटा करूँगा और थोड़ा रोटेट करूँगा, उसके बाद इसे अपनी जगह पर लगा दूँगा। फिर इस और इसी तरीके से इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे भी छोटा करूँगा और इसे उठा करके अपनी जगह पे लगाऊंगा। जहाँ पे हमारा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, माउथ सेट जो होगा वो सारे एक ही जगह पे होने चाहिए। थोड़ा इधर थोड़ा उधर होगा तो वो एनिमेशन के दौरान थोड़ा गलत लग सकता है, तो वो आप मिला लीजिएगा। मैं फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये सारे अपनी जगह पर लग चुके हैं, मैं इन सबको मिला रहा हूँ फ़िलहाल चेक करके। ये थोड़ा इधर खसक गया, अब मुझे इसे थोड़ा पीछे की तरफ लेना पड़ेगा। हाँ, ये अपनी जगह पर आ चुका है, ये देख लीजिए। इसी तरीके से आप भी मिला लीजिएगा कि वो सारे पार्ट्स सही जगह पे हो। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे मैं फिर से छोटा कर दूँ थोड़ा, उसके बाद इसे उठा करके फिर इधर खसका देंगे। हाँ, तो ये भी अपनी जगह पे लग चुका है। तो सारे पार्ट्स अपनी अपनी सही जगह पे लग चुके हैं दोस्तों। अब मानिए, अब बारी है कि इनमें कैसे लिपसिंक किया जाए। तो ये अभी बहुत तेज़ हो रहा है, तो आप मानिए कि आपने किसी कैरेक्टर का वॉइस रिकॉर्डिंग किया और वॉइस को इम्पोर्ट कर लिया इस ओपन टून में। तो आप मानिए कुछ देर तक हमारा कैरेक्टर चुप रहता है, कुछ फ्रेम्स तक, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 20 तक हमारा कैरेक्टर चुप रहेगा, तो उसके लिए चुप रहेगा तो फिर हम 20 फ्रेम तक क्या करेंगे। ये चुप वाला मैंने सबसे ऊपर पहले में ही ड्रॉ कर लिया था, ये 20 फ्रेम तक, ये देख रहे हैं जितने नंबर दिख रहे हैं ये सारे फ्रेम्स के नंबर हैं। तो अब हमारा कैरेक्टर 20 फ्रेम तक चुप रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले पर क्लिक करेंगे और इस तरह का कुछ आया, इसे पकड़ के खींच देंगे 20 तक। तो इस वाले का टाइमलाइन को मैंने 20 तक बढ़ा दिया, तो ये कैरेक्टर हमारा अब 20 तक, इसका जो लिप्स है यही बना रहेगा, ये चुप ही रहेगा 20 तक, ये कुछ नहीं बोलेगा। 20 के बाद हमारा कैरेक्टर अगर बोलना, डायलॉग उसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तो ये फ़िलहाल एक एक बॉक्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्लो करने के लिए सारे बॉक्सेज में थोड़े थोड़े गैप देंगे। तो इस वाले को पकड़ के खींच देंगे, 3 फ्रेम कर दिया इसको। अब नीचे वाले को किया, इसको भी दो फ्रेम तक खींच करके कर देंगे, 2 फ्रेम हो गया। अब उसके नीचे वाले को क्या करेंगे, फिर इसको पकड़ के 3 तक खींच सकते हैं, नहीं 2 ही तक रहने देंगे इसको भी, जितना आप जिसको चाहें उतना स्लो कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी सब इसको भी 3 तक कर देता हूँ। तो अब ये कुछ स्लो हो गया होगा दोस्तों, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर हो गया। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पे सारे को सेलेक्ट करेंगे। ये 48 तक हम मान लीजिए हमारा कैरेक्टर का डायलॉग है, तो यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रहा था। इन सबको मैं क्या करूँगा, जहाँ से वो कैरेक्टर बोलना स्टार्ट कर रहा है ये वाले से, तो ये वाले से मैं सेलेक्ट करूँगा इन सारे को, लेफ्ट क्लिक करूँगा, कॉपी सेल करूँगा
और लास्ट में जो खाली जगह है वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लेवल पे जाएंगे, न्यू वेक्टर लेयर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एक खाली बॉक्स यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और पेस्ट सेल कर देंगे। जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो चुका है। और आखिरी में जो ये बॉक्स दिख रहा है ये अभी भी खाली है दोस्तों, इसके ऊपर पेस्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये 48 तक तो हमारा आ चुका है, मैं आपको फिलहाल चला के दिखाता हूँ। कैरेक्टर हमारा 20 तक चुप रहेगा, उसके बाद उसके डायलॉग स्टार्ट होंगे 20 से लेकर 48 तक। तो हमें आवाज़ मिलाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, कि हमारा कैरेक्टर किस फ्रेम से बोलना स्टार्ट कर रहा है और किस फ्रेम पे वो चुप हो रहा है, तो वो आपको मिलाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कुछ और आपको हिंट देने के लिए मैं इस सबके टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। 48 तक है तो मैं इन सबके टाइमलाइन को 96 तक कर देता हूँ, 96 तक। उसके बाद थोड़ा आप प्रॉपर और अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं इन सारे पार्ट्स के अलग अलग जो मैंने फेस के बना रखे हैं, मैं उन सारे पार्ट्स के टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ तक मैं 96 तक कर रहा हूँ इन सारे पार्ट्स को। तो आप अगर दोस्तों और भी इसी तरह के रिलेटेड वीडियो जान देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो इन सब प्रॉब्लम्स पे बना रखे हैं। अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा या उस पर जितना जल्दी हो सके वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड करूँगा। तो फिलहाल मैं इन सब के टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ 96 तक। तो इसका भी ये 96 हो चुका है। अब इसको थोड़ा और इधर खसकाते हैं, हाँ ये लास्ट वाला ही है, इसको भी 96 तक पकड़ के खींच देते हैं। तो ये 96 तक इसका भी फ्रेम हो चुका। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लास्ट वाला फ्रेम जो है वो हमारा ब्लैंक है। तो यहाँ पे फिर से पेस्ट सेल मैंने किया लेफ्ट क्लिक करके, तो जो मैंने पहले से कॉपी कर रखा था वो आ चुका। फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट सेल कर देंगे, फिर से अब नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे कैरेक्टर का डायलॉग ख़त्म हो गया। तो हमारा कैरेक्टर यहाँ से चुप रहना चाहिए 75 से लेकर 96 तक। तो अब क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, जो हमारा चुप वाला बॉक्स है जिसमें हमारा कैरेक्टर साइलेंट है उसका माउथ, इसको लेफ्ट क्लिक करके कॉपी सेल करेंगे। सबसे नीचे आएंगे जहाँ पे हमारा ब्लैंक वाला बॉक्स है, वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट सेल कर देंगे। तो ब्लैंक वाला बॉक्स नीचे चला गया दोस्तों। अब इसको पकड़ के यहाँ से 96 तक खींच देंगे। अब इसका कोई काम नहीं रहा ब्लैंक वाले का, तो इसे लेफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दिया। तो अब ये तो हो चुका दोस्तों। अब ये एक लेयर हमारा और बाकी रह गया है, ये वाला, ये हमारे आँखों को झपकाने के लिए है। तो मैं अगर आपको ये वाला नहीं पता कि आँखों कैरेक्टर का आँखें कैसे झपकाते हैं, तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल रखा है दोस्तों। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो इस वाले लेयर को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि अब मैं चलाऊँ तो आपको दिखे थे प्रॉपर। तो कंट्रोल जेड मैं करता हूँ, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये लेफ्ट क्लिक किया, फिर से लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट सेल मैंने कर दिया, ये डिलीट हो गया खाली वाला बॉक्स। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा कैरेक्टर का लिपसिंग हो चुका है। अब मैं सबसे ऊपर वाले फ्रेम पे जाऊँगा, सबसे फर्स्ट वाले पे। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा कैरेक्टर 20 फ्रेम तक चुप है, फिर वहाँ से कुछ देर तक उसके डायलॉग हैं, फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है। तो ये देख सकते हैं अब, जैसा कि मैंने जैसा अब जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने बनाया। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और रियल दिखाने के लिए, जब से हमारा जब जिस फ्रेम से हमारा कैरेक्टर बोलने लगता है उस फ्रेम, यानी कि 20 से बोलने लगता है 21 से, तो हम इसके फेस में थोड़ा सा एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पे नहीं, इसे पिछले वाले बॉक्स पे जाके कंट्रोल जेड किया मैंने, ये खाली की लगाया लेफ्ट क्लिक करके, यहाँ पे 3-4 फ्रेम नीचे गए, यहाँ पे बोन टूल पे मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इसमें एनिमेट वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। इसके फेस को अब हल्का सा नीचे की तरफ झुकाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा दोस्तों। देखा, ऑटोमेटिक की लग चुका है। फिर 3-4 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे खाली की लगा देंगे ताकि उतने 3-4 फ्रेम तक वो सिर हमारा नीचे ही रहे। फिर उसके 3-4 फ्रेम नीचे जा करके इस फेस को सीधा कर देंगे, उठा देंगे। अब इन सारे की को हम क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे, फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। अब फिर 3-4 फ्रेम छोड़ करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। तो ये सारे की आ चुके हैं। फिर 3-4 फ्रेम छोड़ना है उसके नीचे सबसे आखिरी, फिर यहाँ पर भी कर देना है। तो अब जहाँ तक हमारा कैरेक्टर बोल रहा है वहीं तक मैं करूँगा। तो 75 तक हमारा कैरेक्टर बोल रहा है, तो 66 तक लग चुका है। तो अब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रियल लग रहा है। ये हमारा कैरेक्टर का फेस भी मूव हो रहा है, वो बोल भी रहा है, आंखें भी झपक रही हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे विज़िट करें। बहुत सारे इस तरह की रिलेटेड वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।